गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अभी अपन है भाई हमारे गांव के पास कंपनी वेंकीज जियो से निकलती भाई इधर से पूना, मतलब लोकल भर रहे इधर से। हमारे इधर से क्या शक्कर का वाड़ा पड़ता हूँ नहीं, और प्याज तो क्या ये बारिश की वजह से प्याज नहीं आ रहा है, इसलिए शक्कर लोड करेंगे भाई राजस्थान का भी इधर से, मतलब लोकल लोड करके जाएंगे अपन पूना। पूना अनलोडिंग करेंगे, उसके बाद फिर उधर से शक्कर भरेंगे भाई। अभी आए कंपनी में, ये डीओ बना लेते हैं पहले कंपनी में, फिर डीओ बनने के बाद अंदर आएंगे, गाड़ी दिखाएंगे आपको क्या लोडिंग करना है अपने पास। देखते भाई कितना टाइम लगता है डीओ बनने में, फिर उसके बाद होगा लोडिंग। ये कंपनी भाई भाई अभी शाम के 5 बज रहे, गाड़ी अपना लग गया लोडिंग के लिए। ये लोड कर रहे भाई डीओसी जो सोयाबीन से बनती है, सोया डीओसी। ये लोडिंग शुरू किया है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, देखते कितने देर में भरता है गाड़ी। अभी फिर आज नाइट में निकल जाएंगे भाई, मतलब सुबह सुबह उधर पहुंच जाएंगे जल्दी से। अगर कल ही खाली होता है तो कल ही उधर शक्कर लोडिंग करेंगे भाई उधर से राजस्थान का। कल तो नहीं लोडिंग होगा, कल ये खाली होने के बाद उधर होल्ड करेंगे एक दिन, फिर देखेंगे कहाँ से शक्कर है। और भाई पिछले चक्कर में मतलब सब भाड़ा पूछ रहे थे, ये लोकल है भाई, इसका 1100 रुपये टन है भाड़ा ये जो कर रहे हैं। अच्छा भाड़ा लग जाता है, पैसे भी बच जाते हैं इसमें, और उधर से जो भरेंगे उसका भी भाड़ा बताएंगे आपको। इतने खास भाड़े नहीं चल रहे भाई, पूरा मंदी का सीजन चल रहा है हमारा क्या इधर से, ये साल प्याज बराबर नहीं है, तो इसलिए ये लोकल वोकल भरना पड़ रहा है भाई सब। ठीक है अभी ये कितने बजे तक लोड होता है, फिर निकलेंगे भाई इधर से, दिखाएंगे आपको भी। अभी रात के 8:30 बज रहे शायद, और बारिश चालू है भाई, तिरपाल रस्ता किया अभी गाड़ी का, मतलब अचानक ही बारिश आ गया भाई, तो शायद अंदर गाड़ी लगा के पहले तिरपाल रस्ता किया, आपको दिखा नहीं सके भाई आखिरी शॉट। तो अभी तिरपाल रस्ता हो गए हैं, बारिश भी चालू है, देखते करो दे अभी तिरपाल रस्ता, उसके बाद निकलेंगे भाई इधर से, फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों। अभी जो गाड़ी पैक की है भाई, मतलब अपन आज नाइट में निकले तो कल सुबह सुबह उधर पहुंच जाएंगे, और कल ही अनलोडिंग गाड़ी हो जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से इतना मतलब तिरपाल रस्ता करना पड़ा, हाइट भी आया थोड़ा 2-2 बोरी का। तो भाई अभी मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा मतलब कितना गाड़ी पैक की है। अभी घर पे जाएंगे, फ्रेश विश हो जाएंगे, मतलब पूरा हालत ख़राब हो गया भाई, फ्रेश विश होके निकल जाएंगे 10 बजे तक इधर से। अगर पहुंच गए तो सुबह तक पहुंच जाएंगे उधर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मतलब नाइट में हमने गाड़ी कितना पैक किया था बस एक रात के लिए, और फिर सुबह खोल देंगे भाई वो गाड़ी अनलोडिंग के लिए। लोकल में बस यही दिक्कत होता है भाई, दूसरा कुछ नहीं होता बारिश के दिनों में, मतलब आज तिरपाल बांधो कल फिर खोलो कल फिर बांधो, मतलब शक्कर के लिए तो पूरा जाला वाला लगा के बांधना पड़ेगा अपने। ठीक है मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, अभी अभी इधर से निकलते पहले घर जाते, फ्रेश होते, फ्रेश होने के बाद मिलते भाई आपको फिर से। भाई एक नए दिन की शुरुआत हो गई फिर से महाराष्ट्र में, जैसे कल आपको बताया था भाई लोकल ही माल भरा था, नाइट में थोड़े लेट हो गए थे बारिश में, तिरपाल रस्ता कर लिया था उधर से निकल गए थे भाई, घर पर आके फ्रेश व्रेश होके रात में लमसम 10 बजे निकल गए थे भाई घर से, पूरा नाइट चल के आए अभी। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है भाई कि अपने को कंपनी इधर से 35 किलोमीटर दूर है, मतलब 35, लेकिन इधर जो उस साइड में आपको जो टेंपल दिख रहा है जेजुरी टेंपल है भाई, मतलब बहुत फेमस है इधर का। और हमारे महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल को दिंडी चल रहा है, मतलब सब लोग पंढरपुर को पैदल जाते हैं दर्शन के लिए, तो इस मंदिर से उस मंदिर तक भी लोग पैदल जाएंगे, तो भाई ये पूरा रोड बंद कर दिया है, ये सब गाड़ियां खड़े ये पूरा बंद कर दिया है भाई रोड। देखते हैं अभी, बोल रहे कि 11 बजे छोड़ेंगे ऐसा बोले थे, लेकिन अब 11 तो बज गए, अभी बोल रहे 1 या 1.5 बजे छोड़ेंगे, देखते कितने बजे छोड़ते हैं। और मतलब रात में बस रात
अगर एक घंटा इधर छोड़ दिया होता तो हम सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे भाई कंपनी, अभी अपना गाड़ी अनलोडिंग हो गया होता। लेकिन अभी तक इधर ही देखते हैं, अभी आपको दिखा दे गाड़ी कैसा पैक किया था हमने रात को, मतलब वो एक नाइट के लिए पूरा गाड़ी पैक करना पड़ा था भाई। ये लोकल में यही दिक्कत होता है, पूरा गाड़ी पैक करो फिर खोलो, ये भाई इतना पूरा पैक करना पड़ा था भाई रात में। इधर से कब छोड़ते हैं फिर दिक्कत है आपको, कंपनी में जाने के बाद कब खाली होता है हमारा गाड़ी। अभी तक तो कुछ सही नहीं लग रहा है छोड़ने का पोजीशन, जैसे छोड़ेंगे बताएंगे आपको भी। खुल गया भाई अपना 1 बजे जामी, निकलते हैं अभी इधर से। वो जो सामने मंदिर है इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वही है जेजुरी का मंदिर, मतलब फेमस टेंपल है महाराष्ट्र का। डिंडी के वजह से भाई इधर पूरा बंद किया था, अभी आगे से अपने को बड़ा रोड लग जाएगा पूना वाला, उधर से कोई दिक्कत नहीं। मौसम भी फुल बारिश वाला हो गया भाई, इसलिए इतना गाड़ी तिरपाल रास्ता किया है। देखते कंपनी, इधर कंपनी जाने के बाद मिलते आपको। पहुंच गए कंपनी के पास, ये बालाजी का मंदिर, मतलब ये हिल स्टेशन पॉइंट है भाई कोई तभी इधर का, और ये कंपनी वो मंदिर के पास ही है। ये बालाजी का टेंपल इधर, हाँ उस साइड में कंपनी भाई अपने सामने, और ये रोड मतलब पूरा कंपनी के मंदिर के सामने से ही जाता है इधर। ये रहा मंदिर, हाँ सीधी दिखा था आपको कंपनी। अभी कंपनी में पहुंच गए और अनलोडिंग भी अपनी हो गई स्टार्ट, लेकिन भाई ये बारिश बहुत तकलीफ दे रही है। पहाड़ों में आने के लिए अच्छा लगता है भाई, लेकिन बारिश पूरी तकलीफ देती है भाई इधर। अभी आधे गाड़ी खोला तिरपाल, अभी एक अलग से तकलीफ है, इसका फिर से गाड़ी डालना पड़ेगा, इतना जड़ है भाई उठता भी नहीं एक आदमी से। देखते अभी मौसम तो बहुत ज़्यादा बारिश वाला है, बारिश भी चालू ही थोड़ा थोड़ा, उसी में अनलोडिंग कर रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक अनलोडिंग होता है। अभी गाड़ी अपना हो गया खाली, काटा भी कर लिया भाई गाड़ी का, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे भाई अपने को
ये जो कम जिधर काटा किए वो उनका पुराना कंपनी वो अब बंद, और वो नया कंपनी उस साइड में। अभी वो डोंगर पे चढ़ के जाना पड़ेगा भाई ऊपर, फिर उधर से अपना पोस्ट लाना पड़ेगा जब अपना पेमेंट का काम होगा। निकलते भाई इधर से, अब उसका पहले पोस्ट लाते हैं फिर निकलेंगे इधर से। लोडिंग का बताएंगे आपको भी क्या है क्या नहीं। लाता हूँ मैं पोस्ट, फिर मिलता हूँ आपसे। शाम के बज रहे 6:30, आए इधर राजस्थानी होटल पे अपना, मतलब पूना से जो फल्टन वाला रोड जाता है उधर से अपना लोड कन्फर्म हुआ है भाई फल्टन से कोटा के लिए। वो आपको कल नेक्स्ट ब्लॉक में दिखाएंगे भाई, अभी इधर रुके हैं राजस्थानी होटल पे। क्या है पप्पा जी इधर खड़ा किया है गाड़ी अपना, अभी लोडिंग कन्फर्म है, मतलब सुबह जाएंगे भाई अपन लोडिंग करने के लिए। तो भाई आज का ब्लॉक करते इधर ही एंड, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में लोडिंग और आगे राजस्थान तक का रूट। तो भाई ब्लॉक को करते इधर ही एंड बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में।